हेलो एवरीवन, दिस अमनदीप सिंह। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस की, राइट। बेसिक एग्जांपल्स जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है और उसके बेसिक रूल क्या होते हैं कि हाउ विल यू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यूनिक, इन्फाइनाइट या नो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स की, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड ky माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0 आर नॉट इनकंसिस्टेंट। नाउ द फोकस इज ऑन दिस वर्ड नॉट इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है? द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होना है, सॉल्यूशन तो आना चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए। दैट मीन्स या तो यूनिक आ जाए या फिर इन्फाइनट आ जाए। बोला ऐसी कंडीशन के लिए वैल्यू ऑफ के क्या होनी चाहिए। सो ये आपको लिखा हुआ है, इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। 4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ लिखा है माइनस के 6x प्लस के ky माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे x बाद में लिखा हुआ है। सो यहाँ पे a1 अपॉन a2 जो निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है माइनस 2 बाई 3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ रही है माइनस 3 अपॉन के, राइट। एंड सी वन अपॉन सी टू कितना आएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 अपॉन माइनस 12, ठीक है। फिलहाल कंडीशन वो नहीं है। कंसिस्टेंट की अगर बात करें तो माइनस 2 बाई 3 का वैल्यू अगर माइनस 3 बाई के बराबर नहीं होगा तो इजीली हम बोल सकते हैं कौन सा केस होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होगा, राइट। और यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो कह सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 2 के इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 9 और के नॉट इक्वल टू 9/2। तो के 9/2 छोड़ के हम कुछ भी डाल सकते हैं। सो आंसर क्या होगा, ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल एक्सेप्ट के इज इक्वल टू 9/2। 9/2 डालना अलाउड नहीं है। अच्छा, ये हमने यूनिक वाला केस चेक किया। इन्फिनिट में कब क्या होता है, जब वेन ऑल आर इक्वल। सो माइनस 2 बाई 3 माइनस 3 बाई के और यहाँ से थर्ड रेशो जो आ रहा है सी वन बाई सी टू कितना आ रहा है, वो आ रहा है माइनस 1/2। ये तीनों बराबर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जब ये फर्स्ट और लास्ट ही बराबर नहीं है तो तीनों केस इक्वल पॉसिबल होना अलाउड ही नहीं है, राइट। सो कौन सा केस बनेगा, यूनिक वाला केस ही बनेगा इसमें, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव ऑन। अ पर्सन सेज 15 ईयर हेंस माई एज विल बी 4 टाइम्स माई एज 15 ईयर्स अगो। 15 साल बाद, 15 ईयर हेंस माई एज विल बी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स ऑफ वॉट, 4 टाइम्स ऑफ माई एज 15 ईयर्स अगो। सो आदमी बोलता है 15 साल बाद मेरी एज 4 टाइम्स होंगी। किसका 4 टाइम्स, 4 टाइम्स होगी 15 साल पुरानी वाली एज की। सो मान लेते हैं आज का एज उसका x है, तो 15 साल बाद क्या होगा, x प्लस 15, और 15 साल पहले क्या था, x माइनस 15। सो क्वेश्चन में ये बोला है कि 15 साल बाद वाली जो एज है और 15 साल पुरानी वाली जो एज है उसमें लिंक ये है कि 15 साल बाद वाली एज ये इसका 4 टाइम्स है। यानी आई कैन राइट x प्लस 15 जो है वो 4 टाइम्स x माइनस 15 है। सो यू विल गेट x प्लस 15 इज 4x माइनस 60, 75 इज इक्वल टू 3x और आई कैन से x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 25। एक तरीका डबल में राउंड आपने इक्वेशन फॉर्म किया, अदर राउंड गो बाय ऑप्शन। अगर आज का एज 15 साल है तो 15 साल बाद होगा कितना, 15 प्लस 15 दैट इज 30, और 15 साल पहले 0 पॉसिबल ही नहीं है, 4 टाइम कैसे आ सकता है। अगर आज का एज 25 है तो 15 साल बाद 40 और 15 साल पहले 10, क्या ये 4 टाइम्स है, ये आंसर यही होना चाहिए, है ना। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन। 20 ईयर हेंस, 20 साल बाद, 20 साल बाद एक आदमी की एज, अ मैंस एज विल बी 6 टाइम्स हिज एज 10 ईयर्स अगो। 10 साल पुरानी वाली एज और 20 ईयर्स बाद वाली एज, इनका लिंक क्या होना चाहिए, इट हैज़ टू बी हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स आना चाहिए। सो लेट्स गो बाय ऑप्शन। 20 ऐड किया तो 36, 10 सब्ट्रैक किया तो 10 साल पहले कितना रहा होगा, 6 साल का, और 20 साल बाद क्या हो जाएगा, 36, क्या ये 6 टाइम्स है, यस। तो आंसर यही है फिर, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर इक्वेशन फॉर्म करोगे तो यहाँ मिलेगा x प्लस 20, यहाँ मिलेगा x माइनस 10। सो x प्लस 20 इज 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 10। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। थर्ड वन, एट अ सर्टन प्लेस देर आर सम रैबिट्स एंड सम पीकॉक।
टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 40 एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 96. फाइंड द नंबर ऑफ पीकॉक एंड रैबिट. सो इस क्वेश्चन करने की दो मेथड है. सो पहले हम देखते हैं मेथड वन. ठीक है, सो मान लेते हैं कि जो रैबिट्स हैं, रैबिट्स मान लिया आपने एक्स और आपने ये मान ली कि पीकॉक जो है वो है वाई. तो पहली कंडीशन कि जितने एनिमल होंगे उतने ही उनके हेड होंगे. सो नंबर ऑफ हेड्स तो 40 हैं तो एनिमल भी 40 होंगे. रैबिट के होते हैं चार पैर, पीकॉक के होते हैं दो पैर. तो अगर एक्स रैबिट्स हैं तो उनके पैर कितने होंगे 4x, और पीकॉक अगर वाई हैं तो उनके पैर कितने होंगे 2y. ये नंबर ऑफ लेग्स कितने आ रहे हैं 96. कैन यू सॉल्व इट आराम से. सो पहली क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई किया 4 का, तो 4x प्लस 4y इज 160, राइट. और ये आपका इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज 96. सब्ट्रैक्ट किया सो 2y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 64 और y कितना आ जाएगा 32. ऐसा बोल सकते हैं राइट. ऐसे कुछ होगा. तो पीकॉक कितने होंगे, पीकॉक आपके होंगे 32 और रैबिट कितने होंगे बचे हुए 8. ये रहा आपका आंसर. ठीक है, एक तरीका. अब मेथड टू क्या कहता है, मेथड टू कहता है लॉजिकली सोचो. लॉजिकली कैसे करेंगे वो समझते हैं. अब आप मुझे इतना बताइए कि अगर हम सपोज बात करते हैं ऐसा लिखा होता कि टोटल एनिमल कितने हैं, टोटल एनिमल 40 है, सबके दो अगर देखा जाए पैर तो होते ही हैं, 96 आपके पास लेग्स हैं और टोटल एनिमल आपके पास कितने हैं 40. सबको अगर हम दो दो पैर बांट दें, है ना, ऐसे एज्यूम करो कि हमारे पास 96 लेग्स बड़े हैं और सबको हमने दो दो बांट दिए, तो कितने बांट दिए 80 बांट दिए. तो कह सकते हैं पीकॉक का काम तो हो गया क्योंकि पीकॉक के दो ही होते हैं, लेकिन रैबिट को भी दो ही मिले हैं. तो 80 जो हमने दो दो करके सब में बांट दिए, 16 बच गए. 16 किसके हैं, रैबिट के हैं, क्योंकि रैबिट को अभी तक दो ही दिए हैं, पीकॉक को दो दिए, रैबिट को दो दिए, ऐसे दो दो करके सबको बांट दिए आपने. तो जो बचे हैं वो किसके बचे हैं, रैबिट के, है ना. 96 लेग्स थे, आपने सबको दो दो बांट दिए, तो पीकॉक का काम तो हो गया, रैबिट को दो और चाहिए, पर बच्चे में 16 ही हैं, तो दो दो करके कितने रैबिट में बांट पाएंगे 8. इसलिए रैबिट कितने होने चाहिए 8. यही आपका आंसर है राइट. सो इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन जिसमें आपने या तो इक्वेशन लगाई या फिर लॉजिक लगाया. ओके, लेट्स मूव ऑन. फिर लिखा है टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस फॉर एवरी करेक्ट आंसर. कितने मार्क्स मिलते हैं बच्चे को, फॉर एवरी करेक्ट आंसर स्टूडेंट गेट 4 मार्क्स एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर. A student attempted all the question and he scored 240 marks. Find the number of questions he did wrong. So let's start a solution. इसको भी करने के दो तरीके हैं अपने पास. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं जो इस बच्चे ने क्वेश्चन राइट किए वो एक्स हैं और जो उसने रॉन्ग किए वो वाई हैं. तो जितने राइट किए जितने रॉन्ग किए वो सब मिला के 100 होना चाहिए राइट. सौ क्यों होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 100 थे. अच्छा, जितने राइट करेगा उसे 4 मार्क्स मिलते हैं. तो अगर उसके एक्स क्वेश्चन राइट हैं तो मार्क्स कितने गेन करेगा 4x, लेकिन वाई गलत हो गए तो फिर वाई मार्क्स कट जाएंगे. क्योंकि एग्जांपल, अगर आपने 10 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो आपके 10 मार्क्स कटने चाहिए थे, अगर आपने 15 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो 15 कटने चाहिए थे, तो वाई रॉन्ग किए तो वाई कटने चाहिए. तो उसने 4x मार्क्स अर्न किए और y कट डिडक्ट हो गए, तो कह सकते हैं उसके मार्क्स आए 240. सो वी गॉट फर्स्ट इक्वेशन एंड वी गॉट सेकेंड इक्वेशन. कैन यू सॉल्व इट, बहुत आसानी से कर सकते हैं सॉल्व. इनको ऐड किया तो 5x y तो कट जाएगा, इजिकल्स टू आ जाएगा 340 और x का वैल्यू आ जाएगा 340 डिवाइड बाय 5 विच गिव यू 68, है ना. यानी 68 क्वेश्चन उसके राइट हैं, तो कितने बचे 100 में से 68 सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस गिव यू 32. 32 क्वेश्चन उसके रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या होगा 32. इज इट ओके. तो क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच ये वाला है. अब दूसरे अप्रोच की बात करते हैं. दूसरा अप्रोच ये कहता है कि लॉजिकली सोचें कि राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं और मार्क्स कितने आ रहे हैं. अगर सबके सब राइट होते, जीरो रॉन्ग होते, मार्क्स कितने आते 400, है ना. एक गलत होता, 99 करेक्ट होते, तो मार्क्स कितने आते, जरा सोचो एक बार. तो अगर आपको लग रहा है कि 399 तो गलत है बच्चों, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके चार नंबर तो वैसे ही गए, तो चार नंबर तो वैसे ही जाएंगे बिकॉज जो क्वेश्चन गलत कर दिया अब मिलेंगे नहीं आपको वो. और एक क्वेश्चन गलत किया है तो डिडक्ट भी होगा, यानी टोटल 5 मार्क का नुकसान होगा, यानी 395 आएंगे.
है ना। तो ये समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो 5 नंबर कट जाते हैं, तो जिस बच्चे को 400 में से 240 आए उसके कितने मार्क डिडक्ट हो गए, 160। सो 160 मार्क्स कट करवाने के लिए उसे कितने क्वेश्चन रॉन्ग करने पड़ेंगे, उसे करने पड़ेंगे 32 क्वेश्चन रॉन्ग। आई होप दैट्स ओके। सो क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स।